डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जा रहा हूं समझाने आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में डी आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। अब ए और एन का यूज कैसे किया जाता है, इसको बहुत जरूरी है समझना। इसे हम समझते हैं कि ए और एन का यूज कैसे किया जाता है। फर्स्ट, ए इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल में डिफरेंस आप जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल होते हैं और बाकी जितने हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं जिनका पहला लेटर शुरुआत, द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंगुलर नाउन बिगिंस विद कॉन्सोनेंट, जितने भी वैसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है उनके आगे ए का प्रयोग होता है, ए लगता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, बॉ, तो बॉ में बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, ए। गर्ल, तो गर्ल में जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे क्या लगेगा, ए। अब हम देखते हैं एन का यूज कैसे किया जाता है। एन इज यूज्ड बिफोर सिमिलर नाउन बिगिंस विथ वॉवेल, यानी कि वैसे जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी नाउन होता है सिंगुलर नाउन जिनका पहला लेटर वॉवेल होता है उसके साथ एन का यूज होता है। जैसे ऑरेंज, अब ऑरेंज में पहला लेटर ओ है, ओ क्या है, वॉवेल, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन। एलिफेंट, एलिफेंट का पहला लेटर क्या है, वॉवेल, इसके आगे क्या लगेगा, एन। लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी हैं, इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी का व्याकरण, इन दोनों में बहुत चीजें आपस में मिलती जुलती रहती हैं और सही प्रयोग करने के लिए यह जरूरी है कि हम हिंदी व्याकरण को भी समझें और इंग्लिश ग्रामर को भी समझें। Without the help of Hindi व्याकरण you cannot understand the use of vowel very easily। अब इसको हम देखते हैं कैसे समझाया जा सकता है। Now use of an, particularly we see the use of an। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं और इसको समझते हैं। इफ अ वर्ड और नाउन बिगिंस विथ ओ, ओ इज वॉवेल, बट व्हेन इट इज pronounced in Hindi, with vyanjan or consonant, then A is used before। इसको देखते हैं, जैसे हमने कहा कि ऑरेंज, अब ऑरेंज में ओ क्या है, वॉवेल है, ओ क्या है, वॉवेल है। अब जरा इसको हम लिखते हैं तो ये होता है ऑरेंज,
अब इसको देखें जरा, हिंदी में एक होता है स्वर, दैट इज कॉल्ड वॉवेल, और दूसरा होता है व्यंजन, दैट इज कॉन्सोनेंट। तो अ आ ई ई ये सब क्या है, स्वर है, और क ख ग ये सब क्या है, व्यंजन है। तो हमने यहां लिखा ऑरेंज, इसको लिखा ऑरेंज। अब ये अ क्या है, स्वर, यानी कि भावे। अब इसको एक मिनट के लिए हम छुपा लेते हैं, और सपोज करिए कि हमें ऑरेंज का स्पेलिंग नहीं मालूम है, तो हम ऑरेंज कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि किसी का नाम औरंगजेब है, औरंगजेब, तो कैसे लिखते हैं, औरंगजेब, यानी कि इसमें ए आया हुआ है। अब हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऑरेंज, यानी कि यहां ए आया हुआ है, और ए क्या है, भावे। अब यहां देखेंगे तो ऑरेंज हमने लिखा, ये वॉवेल है, इसका हिंदी लिखा, ये वॉवेल है, इसको छुपा दिया और ऑरेंज को फिर हिंदी में लिखा, ये वॉवेल है, तो इसके आगे क्या लग गया, एन। अब हम एक और वर्ड देते हैं, वन रूपी नोट, निश्चित रूप से ओ क्या है, वॉवेल है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो होगा वन रूपी नोट, व क्या है, व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। अब फिर हम इसको ढक लेते हैं, मान लीजिए हमें वन रूपी का मालूम नहीं है कैसे लिखना है। अब किसी का नाम अगर व से हो, जैसे वाहिदा, वाहिदा, तो हम या तो इसको वाहिदा लिखते हैं या फिर वाहिदा लिखते हैं। तो हमने क्या किया, वन रूपी नोट को लिखा वन रूपी नोट, यानी कि ये डब्ल्यू से शुरू हुआ और ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहां पर देखेंगे कॉन्सोनेंट अधिक है, मोर देन वॉवेल, इसलिए ऑफ कोर्स वन दैट इज ओ, दैट इज वॉवेल, ओ वॉवेल है, लेकिन क्योंकि जब हिंदी में हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये व्यंजन से होता है, कॉन्सोनेंट से होता है, और फिर जब इसको हम लिखते हैं तो ये भी कॉन्सोनेंट से होता है, इसलिए वन का ओ वॉवेल होने के बाद भी इसके आगे ए लगता है, एन नहीं लगेगा, इसको ध्यान देना है। अगर ये नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि कोई वर्ड शुरू होता है, कोई वर्ड है जिसका पहला लेटर ओ हो या पहला लेटर उसका वॉवेल हो, तो उसके आगे हम एन लगाते हैं, लेकिन अगर वो पहला लेटर ओ है और जब हिंदी में उसको हम लिखते हैं या हिंदी में जब उसको हम प्रोनाउंस करते हैं, और अगर वो प्रोनाउंसिएशन के समय अगर वो व्यंजन से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो वहां पर एन नहीं लगेगा, वहां पर ए लगेगा। तो आपने क्या करना है, पिक आउट मेनी वर्ड्स फ्रॉम योर बुक, बिगिन विथ ओ एंड पुट ए और एन बिफोर
आपको बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने हैं बुक से, इंग्लिश बुक से, जो ओ से शुरू होता है, और फिर आपको डिसाइड करना है कि उसके आगे, याद रखेंगे वो सारे वर्ड्स सिंगुलर होने चाहिए, और आपको फिर लिखना है उसके आगे ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। कैसे होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वो वर्ड ओ से है, इसके बावजूद अगर वो प्रोनाउंसिएशन में कोई वॉवल की जगह कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कोई कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर ए लगेगा, और अगर वो वॉवल है और थ्रू आउट वॉवल है तो वहां पर एन लगेगा।